में अमित शाह की रैली में हंगामा, पाटीदार समाज के लोगों ने किया बवाल। नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाज़ पंजाब के नाम से खोला मोर्चा, चंडीगढ़ में अकाली बीजेपी सरकार पर निकाली भड़ास। केजरीवाल पर बोले सिद्धू, कहा भोली सूरत दिल के खोटे, मुझसे कहा चुनाव मत लड़ो, पत्नी को बना देंगे मंत्री। लुधियाना में केजरीवाल के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन, केजरीवाल ने ललकारा, बादलों को भिजवाऊंगा जे। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने अकाली सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सेक्स सीडी कांड में संदीप कुमार की एक दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ी, दिल्ली पुलिस कुछ और सवालों पर जानना चाहती है जवाब। संदीप कुमार की सेक्स सीडी को सीएफएसएल भेजा जाएगा, आवाज के नमूने की भी जांच होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुए आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, कहा संविधान के दायरे में की बात। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सरहद से 125 करोड़ की हेरोइन बरामद, एक पिस्टल, एक मैगजीन के साथ दो पाकिस्तानी सिम भी जब्त। चुनाव से पहले अखिलेश यादव को भाई राहुल गांधी लखनऊ में अच्छा लड़का बता, कहा ज्यादा आए यूपी तो दोस्ती हो जाएगी। कासना जेल पर आज तक के खुलासे का बड़ा असर, सीएम अखिलेश ने दी खुलासे पर बधाई, तो नोएडा के डीएम ने एडीएम को दिए मामले की जांच के आदेश। गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पांच सड़कों का कांग्रेस पर शायरी के जरिए साधा निशाना। अलीगढ़ में डीएस कॉलेज ने समाजवादी पार्टी के तीन छात्र नेताओं को किया सस्पेंड, छात्राओं ने छेड़खानी पर सीएम को लिखी थी चिट्ठी। बुलंदशहर गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया सुधार, सीबीआई जांच पर लगी रोक को हटाया। लखनऊ में न्यूज़पेपर हॉकर की हड़ताल, आठ दिनों से जारी, कमीशन को लेकर कर रहे विरोध। गाजियाबाद के साहिबाबाद में 26 साल के लड़के का मिला शव, धारदार हथियार में वारदात को दिया गया अंजाम। फरुखाबाद में छात्र की डंडे से पिटाई, शिक्षक पर उठे सवाल, अधिकारियों से हुई शिकायत। बाराबंकी में छात्रों के दो गुटों में झड़प, लॉ की परीक्षा में सीट विवाद को लेकर हुआ हंगामा। आगरा में पुलिस पब्लिक के बीच भिड़ंत, एक कर्मचारी की मौत पर रोड जाम। बुलंदशहर में NH-51 पर लूट के बाद मर्डर, ट्रक के ड्राइवर को बदमाशों ने मार डाला। गाजियाबाद में स्विफ्ट कार से 3 करोड़ कैश जब्त, थाने में पहुंचे लोगों ने किया बीजेपी का पैसा होने का दावा। बिजनौर में बुखार से 10 दिनों में 2 गांव के 13 लोगों की मौत, प्रशासन बेखबर। बरेली में फॉगिंग के नाम पर रोजाना कई लीटर डीजल लेने के गोरख धंधे का खुलासा, महीनों से स्टोर से नहीं निकली फॉगिंग मशीनों पर जमी धूल। झांसी में आईएसआई एजेंट गिरफ्तार, यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। लखनऊ में कंप्यूटर शिक्षकों पर लाठीचार्ज, सीएम अखिलेश यादव से मिलना चाहते थे शिक्षक। कानपुर में करीब 1.5 लाख रुपए में माता पिता ने बच्चे को ही बेच डाला, बाद में किडनैपिंग का कराया केस दर्ज। नोएडा में राष्ट्रीय खिलाड़ी से छेड़खानी के मामले में आरोपी गिरफ्तार, मंचले ने कुचलने की भी कोशिश की थी। बाराबंकी के जिला अस्पताल में एम्बुलेंस का टोटा, ठेले पर लादकर बीमार मां को ले जाने को मजबूर शख्स। दिल्ली के दौलतराम कॉलेज में टाइल्स गिरने से एक छात्रा घायल, नाराज छात्राओं ने बीसी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। नालंदा में 2 मंजिले मकान गिरने से 3 बच्चों की मौत, एक महिला सहित 4 घायल। लखीसराय, 4 बच्चों के शव मिलने की गुत्थी, लखीसराय में सुलझी पुलिस का दावा, मां ने बच्चों समेत की खुदकुशी। कांटी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्रों ने शुक्रवार को बुलाया बंद, रिजल्ट में भारी गड़बड़ी के से गुस्से में थे छात्र। गया में लगातार बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में दहशत, नीतीश ने प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। जहानाबाद में दर्दा नदी में उफान से बढ़ा संकट, मूसलाधार बारिश से पूरा शहर ही जलमग्न। छबरा के दरियापुर थाना क्षेत्र में एक तरफ तरफा इश्क में देवर का खौफनाक खेल, भाभी के लिए भाई को मार दी गोली। सीबीएसई की तर्ज पर बिहार बोर्ड भी कॉपियों के मूल्यांकन में डिजिटल मार्किंग सिस्टम करेगा लागू, परीक्षा ने नकल रोकने के लिए उठाया गया कदम। नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिले उपराष्ट्रपति, राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में हुआ कार्यक्रम। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्राओं का प्रदर्शन, अनुपस्थित दिखाकर फेल करने को लेकर भड़के। अलवर में रेप केस में फंसाने के नाम पर ठगी और लूटने वाले गैंग का भंडाफोड़, महिला और उसका पति गिरफ्तार। भरतपुर में पुलिस ने बिजली ट्रांसफर चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा, 6.5 लाख रुपए कीमत के सामान जब्त।
बाड़मेर रोडवेज ड्राइवर को शराब पीकर बस चलाना पड़ा महंगा, यातायात पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ की कार्रवाई। बीकानेर में बदहाल स्पोर्ट्स स्कूल से उठा पर्दा, छात्रों के खाने में मक्खियां, मकड़ियां, चींटियां मिली। अलवर के सार्वजनिक विभाग के ठेकेदार की खुदकुशी पर हंगामा, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार से तंग आकर दी जान। झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 14 महिलाएं घायल। बाड़मेर में सरहद पर 6 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से अपने रिश्तेदार के पास रह रहे थे सभी। सवाई माधोपुर में पीजी कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, छात्रवृत्ति को लेकर उठाए सवाल। धौलपुर के बिलौनी गांव में कुएं में गिरा सांड, वन विभाग का कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा नहीं। दामों की प्रभारी मंत्री कुसुम महदेले की हालत बिगड़ी, हेलीकॉप्टर से भोपाल लाया गया। आगरा में महिला बाल विकास अधिकारी के ड्राइवर ने नशे में सरकारी गाड़ी को कई जगह ठोका, एक बच्चे के साथ गाय जख्मी। ग्वालियर में 6वीं क्लास के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, परिवार वालों ने स्कूल पर लगाए परेशान करने के आरोप। जबलपुर से लखनऊ जाने वाली चित्रकूट एक्सप्रेस में लूटपाट और मारपीट, ट्रेन में सुरक्षाकर्मियों के नहीं होने का लगा आरोप। देवास में संपत्ति के लिए बेटे ने मां को मार डाला, वारदात के बाद लाश को कुएं में फेंका। ओपी कोहली बने मध्य प्रदेश के 26वें राज्यपाल, भोपाल में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। पन्ना में अपर कलेक्टर पर लगा छेड़खानी का आरोप, पंचायती संस्थाओं से जुड़े लोगों ने किया प्रदर्शन, गुस्से में गली के कुत्ते को सौंपा ज्ञापन। रतलाम में अंधविश्वास में 8 माह की बीमार बच्ची को दादी ने गर्म चिमटे से दागा, तबीयत बिगड़ने पर पिता ने बच्ची को अस्पताल में कराया भर्ती। इंदौर में चोरी के इल्जाम और तानों से तंग आकर नाबालिग ने लगाई फांसी, नाना नानी के घर रहती थी लड़की। छतरपुर में विदेशी जोड़े ने रचाई शादी, भारतीय रीति रिवाज से 7 फेरे लिए। मुंबई में प्रीति राठी पर तेजाब फेंककर हत्या करने वाले अंकुर पवार को फांसी, 2 मई 2013 को बांद्रा रेलवे स्टेशन की वारदात। मुंबई मेयोनेस की गुंडागर्दी, बिक्रोली में उत्तर भारतीय फल विक्रेता की सरेआम की जमकर पिटाई। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बिहार के विक्रेता की जमकर पिटाई। नाथूराम गोडसे के परिवार वालों का बयान, कहा ना तो वो संघ से कभी बाहर निकाले गए और ना ही उन्होंने कभी संघ छोड़ा। मुंबई के एक्सप्रेस स्टार की आग बुझाने में लगी 5 दमकल गाड़ियां, समय रहते लोगों को निकाला गया। दिल्ली के तिलक नगर में चाबी बनाने के बहाने घर में घुसा चोर, कैश और ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। दिल्ली के कालकाजी में मनचलों ने 10वीं की छात्रा को जबरदस्ती पिलाया तेजाब, छात्रा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के राजीव चौक में एक यात्री ने की आत्महत्या, मेट्रो के आगे लगाई छलांग। दिल्ली में कूलर गैंग का सामने आया सीसीटीवी वीडियो, कूलर में नशीले पदार्थ मिलाकर घर वालों को करता है बेहोश। दिल्ली के शाहदरा में डेंगू से एक छात्र की मौत, सदमे में परिवार। दिल्ली वक्फ बोर्ड में दरियागंज दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड, अवैध नियुक्तियों की शिकायत मिलने पर पहुंची थी। अमरोहा में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने जमकर बरसाए नोट, मंत्री के स्वागत में भूले मर्यादा। इंदौर में महज 20 सेकंड में कार लेकर 2 महिला चोर फरार, सीसीटीवी में वारदात कैद। मध्य प्रदेश के पन्ना में 100 साल की भीख मांगने वाली महिला से लूट, 5,000 लेकर भागे चोर। उदयपुर में हाई प्रोफाइल नटवरलाल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी कागजात के जरिए बैंकों को बनाते थे निशाना। जोधपुर के नारी निकेतन से नाबालिग लड़की गायब, जगह जगह तलाश जारी। गांव के सीजेएम नवनीत गर्ग को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड, पत्नी को मारने का आरोप। सुसाइड की कोशिश करने वाली गायिका सपना चौधरी की गिरफ्तारी के आदेश, फेसबुक कमेंट से परेशानी के बाद जहर खाने के आरोपों की भी होगी जांच। सोनीपत से हॉरर किलिंग में परिवार के 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 2 गिरफ्तार, लड़की को गला रेत कर मार डाला। सोनीपत के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 छात्रों के झगड़े में 1 की मौत, मामूली बात पर शुरू हुआ था विवाद। हरिद्वार में स्वामी स्वरूपानंद की अध्यक्षता में संत सम्मेलन खत्म, संतों पर अत्याचार,
को लेकर केंद्र बीजेपी पर साधा निशाना।